दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बताएंगे कि बांग्लादेश में या कुछ देशों में 3 या 4 ट्रैक होते हैं एक साथ, ऐसा क्यों है और हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर तो कीजिएगा। साथ में दोस्तों हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाते ही आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस और अपडेट्स मिलने लगेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि बांग्लादेश में 3 या 4 ट्रैक क्यों है, जबकि और देशों में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं, बांग्लादेश भारत देश से अलग हुआ एक देश है और बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग या मजबूत नहीं है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बहुत अभी छोटे स्तर की है, देश भी छोटा है, छोटे स्तर की है, विकास के मामले में वो भारत और दूसरे देशों से काफ़ी पीछे है। बांग्लादेश की रेलवे एक तरह से भारत की ही रेलवे है, बिछाई हुई रेलवे है। वर्तमान में बांग्लादेश में 2,835 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है। इसमें से 1,838 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है वह है मीटर गेज। उसके बाद 682 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है वह है ब्रॉड गेज, और 364 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है वह है डबल ब्रॉड गेज ट्रैक है। तो दोस्तों बांग्लादेश में जब परिवर्तन होने लगा, नया नया विकास होने लगे, नए नए ट्रैक बिछाए जाने लगे, तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पर खर्च बढ़ने लगा। जब खर्च बढ़ने लगा तो वहाँ की सरकार ने इसे सोचना शुरू किया कि कैसे हम कम खर्चों में भी अपने ट्रेन यातायात को बेहतर बना सकें, क्योंकि किसी भी व्यवस्था को बदलने के लिए एक झटके से हम नहीं बदल सकते हैं। जैसे आप कल्पना करें कि हमारे यहाँ मीटर गेज है और इसे तुरंत ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करना हो तो तुरंत हम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक लंबा समय लगता है, जिसमें समय का और श्रम का और पैसे का भी काफ़ी मात्रा में लगाया जाता है। तो ऐसे में बांग्लादेश ने एक रास्ता खोज निकाला। उसने क्या किया है कि डबल मीटर गेज के अंदर ही एक ब्रॉड गेज बना दिया है, जिससे कि ट्रेन हमारी आराम से मीटर गेज और ब्रॉड गेज दोनों पे चली जा सके। क्योंकि कुछ जगहों पे जो ग्रामीण इलाके हैं या इस तरह के जहाँ इलाके हैं जहाँ पे ट्रेनों की पहुँच अभी कम है, या ट्रेन जो है वहाँ पे वो मीटर गेज की ट्रेन जा रही है, तो वहाँ पे जब हम ब्रॉड गेज ट्रेन पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो हम उस मीटर गेज के ट्रैक को टच नहीं करते, यानी उसको हम किसी तरह से ख़राब नहीं करते हैं, और हम उसी में एक ट्रैक और बिछा देते हैं, एक पटरी और बिछ जाती है जहाँ पे ब्रॉड गेज के ट्रेन आराम से जा सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे दोस्तों फोर लेन भी है, फोर ट्रैक भी है, वो इस वजह से कि वहाँ पे डबल ब्रॉड गेज की भी ट्रैक वो अब पटरी आराम से बिछाई जा सके और उस पर ये ट्रेनें आराम से चल सके, जिससे कोई परेशानी न हो।